कोरोना वर्ष 2021 का जो समय था और जो दृश्य थे वो आज भी जब कभी जहन में आते हैं तो मन विचलित हो उठता है। निम्न और गरीब तबके के लोग सड़कों पर उतर आए थे, खाने पीने की समस्याएं हो गई थी लोगों को। यही नहीं, कुछ लोग पैदल ही घर को रवाना हो रहे थे, ऐसे कई दिल को ठेस पहुंचाने वाले दृश्य देखने को मिल रहे थे। यही नहीं, कुछ लोग तो इस मौके का फ़ायदा भी उठाते हुए नज़र आए थे और ऑक्सीजन के सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन भी ब्लैक करने में जुटे हुए थे। खैर जो भी हो, कुछ लोगों ने समाज सेवा भी की और पुण्य भी कमाया। लेकिन नीमच में उन दिनों जो दृश्य थे वो वाकई खाली गंभीर दृश्य थे और मन को विचलित करने वाले थे। इन सब के बीच में जब कई लोगों ने अपनों को खोया और उनका दुख और दर्द आज भी वो भूल नहीं पाए हैं, लेकिन अपने को खोने के बावजूद भी उन्हें न्याय की गुहार लगाने के लिए भटकना पड़ रहा है। सिनेमा हॉल बंद थे, सर्कस भी बंद हो चुके थे, रोजी रोटी का गंभीर संकट था। इन सब के बीच अब जब कोरोना काल खत्म हो चुका है तो लोग अपनों को खोने के बाद जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं उसमें बड़ा चीज़ सामने आई है कि जिला चिकित्सालय में रिकॉर्ड में हेरफेर करने के आरोप तक महिला लगा रही है। इस महिला का क्या कहना है और क्यों ये आरोप लगा रही है, सुनिए। हाँ बताएं, आपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? मैंने मेरे पति को 26 अप्रैल को 2021 को सुबह हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और वहाँ एडमिट करवाने के बाद वहाँ पर उन्हीं के कर्मचारी द्वारा उनकी कोविड की जांच की गई, जिस जो पॉजिटिव मान आई और उस रजिस्टर में उन्होंने कोविड पॉजिटिव मेरे सामने लिखा। कौन सा अस्पताल में? ये अपने नीमच जिला चिकित्सालय में। और फिर 28 अप्रैल 3 दिन तक वो वहाँ पे हॉस्पिटल में रहे और हॉस्पिटल वालों ने ना तो ढंग से इलाज किया और ना किसी की सुन रहे थे वो। और 28 अप्रैल को उन्होंने फिर एक वीडियो वायरल किया कि यहाँ पर मैं यहाँ पर ट्रामा सेंटर में भर्ती हूँ और मेरा कोई इलाज नहीं कर रहा है, हमारे पास में सिलेंडर होते हुए भी कोई लगाने को भी तैयार नहीं है, और ऐसा उन्होंने वीडियो वायरल किया और उसके बाद में 1 घंटे बाद उनकी डेथ हो गई। फिर उन्होंने हमको बॉडी उसी हिसाब से दे दी और उनका अंतिम संस्कार किया गया। सर, कोविड महामारी के दौरान जो कोविड से पेशेंटों की मृत्यु हुई है उसमें एक चीज़ आ रही है, कईयों का RT-PCR टेस्ट नहीं हुए हुए तो वो कोविड की परिभाषा में नहीं आ रहा है। कहीं ये बताया जा रहा है कहीं कि सीटी स्कैन के स्कोर के आधार पर उसको कोविड का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, कहीं राज्यों में राजस्थान आसपास के में ऐसा भी हुआ है, तो अपने यहाँ क्या स्थिति है उसको लेकर? सेकंड वेव जब आई थी तब आप बराबर उससे भीग गए था। अपने यहाँ पर जो टेक्नीशियंस वगैरह हैं जो सैंपल लेते हैं, कई बार ऐसी स्थितियाँ बन जाती थी कि उन लोगों को भी समय नहीं मिल पाता था और RT-PCR और रेड टेस्ट की अभाव के अंदर कई बार हम लोगों को ट्रीट करना पड़ता था, तो सिम्टम के हिसाब से हम लोग देख करके उसको काम करते थे और उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से किया जाता था। तो सुना आपने, बगैर जांच के किस तरह से सिम्टम्स के आधार पर इलाज किया गया और कोरोना के क्या गंभीर परिणाम भी रहे ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। तो इसका परिणाम आम जनता क्यों भुगते, जब स्टाफ की कमी थी और पूरी जांच ढंग से नहीं हो पा रही थी, इन सब के चलते आज भी कई लोगों को RT-PCR के अभाव में और खाली इलाज कोरोना का इलाज कर देने पर बगैर जांच के ऐसे स्थिति का सामना कर आज दर दर भटकने को मजबूर है। गुहार लगा रहे हैं पर उनकी अब कोई नहीं सुन रहा है, तो ये क्या उन लोगों की परेशानी बन चुका है और क्या ये गलती उन लोगों की है? कतई नहीं, क्योंकि ये तो प्रशासन के जिम्मेदारों की गलती है कि उनके पास ना तो पर्याप्त स्टाफ था ना पर्याप्त जांच के संसाधन थे, और इलाज भी किया तो सिम्टम्स देख के इलाज हुआ। ये सब स्थिति अब बयां कर रही है कि उसका परिणाम ये आम और गरीब जनता क्यों भुगते, क्यों नहीं उन्हें न्याय मिल रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बावजूद भी अनुकंपा नियुक्तियों में कई रोड़े आ रहे हैं। देखो इसमें पूरा नॉलेज और लेटर भी आ चुका है, अब वो लेटर कहीं मिसप्लेस हो जाता है, ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कह सकते हैं कि दूसरी जगह मौजूद है, इतने नीमच में ये हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। मैंने पूरा अपना ऑफिस खंगाल लिया है और मैं प्रयासरत हूँ कि कहीं से भी ये अगर यदि मिल जाता तो इसका जो है लाभ जहाँ जहाँ पर भी मिलना है
वहाँ पर दे दिया जाए। सर मैंने बड़वानी का लेटर देखा है, आपने बड़वानी से कुछ दस्तावेज मंगाया, ये सर ये लेटर अन्य जिलों से भी तो अपन प्रोवाइड करा सकते हैं इसमें लेटर। मैंने सभी दूर चर्चा करी है, मंदसौर में रहा हूँ स्वयं, वहाँ पर मैंने अपनी फाइल बना करके रखी है, तो संबंधित विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको भी मैंने कहा है कि संबंधित कोई लेटर हो तो आप मुझे भेजें, तो वहाँ से उज्जैन से आपने बोला है कि हम भी दिखवाएंगे, और ये लेटर मैंने गाइडलाइन के आपको दिखाई दिए हैं, अगर यदि कहीं से होता है और मिल जाता है अपने को सरकारी आदेश तो उसका पालन में हम लोग काम करेंगे ही। तो सुना आपने, लेटर गुम हो जाने से न्याय नहीं मिल पा रहा है, पर हम आपको ये बता दें कि आजकल ऑनलाइन सारे रिकॉर्ड आते हैं, सारे पत्र ऑनलाइन आते हैं और वो उनकी वेबसाइट पर रहते हैं, कभी भी निकाले जा सकते हैं और उपलब्ध कराए जा सकते हैं। कागज़ गुम होने से भी कोई मतलब नहीं निकलता है क्योंकि ऑनलाइन लेटर हमेशा रहता है, तो अब ऑनलाइन वो लेटर मीडिया निकलाएगी और लोगों को न्याय दिलाएगी। हम पूरे प्रयासरत हैं कि ऐसी महिलाओं को न्याय मिले और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय ना हो। पुलिस पंचायत के लिए नीमच से संजय गोड़। मैं यहाँ के नीमच के जो जिला चिकित्सालय है उसके सिविल सर्जन कार्यालय में खड़ा हूँ। काफ़ी गंभीर मैटर यहाँ पर कोविड काल जो कोरोना की दूसरी लहर आई थी उसमें ये कुछ मामले आए थे कि उनको जो डेथ होती है कोरोना से और जब उनको सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं तो उसमें यह मान लिया आता है कि कोविड सस्पेक्टेड, जबकि जब उनकी सीटी स्कैन रिपोर्ट है उनके पास उस समय हालत ये थी कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जाँचें भी नहीं हो पा रही थी और हर किसी की आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी नहीं है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब केंद्र सरकार के नियम में हर जगह मान हो रहा है कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं होने पर भी सीटी स्कैन के स्कोर के आधार पर उसको कोविड माना जा सकता है, लेकिन जब हम यहाँ नीमच के जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन कार्यालय में आए, हमने सिविल सर्जन महोदय से भी चर्चा की तो उनका ये कहना है कि ऐसा कोई लेटर आया तो था, बाकी वो लेटर यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। अब ये क्या लापरवाही है, कहाँ लेटर गया, ये कोई नहीं। अब देखना है कि जब इतना बड़ा यहाँ पर एक वो हो रहा है कि ना सर्टिफिकेट जारी हो पा रहा है सिटी स्कैन के स्कोर के आधार पर ना, तो उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, आम जनता परेशान हो रही है, कलेक्टर कार्यालय से लेकर जिला चिकित्सालय तक सिर्फ भटक रहा है, कई मामलों में अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, रोजी रोटी के संकट आ चुके हैं, महिलाएँ काफ़ी परेशान हो रही है, तो इसकी लापरवाही का जिम्मेदार किसे माना जाए। हमने इस बारे में चर्चा की तो शीघ्र ही अब हमें आश्वासन मिला है कि हम लेटर अन्य जगह से भी उपलब्ध कराते हैं और अगर उसमें ऐसा होता है तो उसका लाभ हमको दिया जाएगा और उनको कोविड के अंतर्गत माना जाएगा। पुलिस पंचायत के लिए नीमच से संजय गौड़।